नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। नाम अनाम का सुखता, पेशे से शिक्षक, लेकिन फर्जीवाड़े के कारनामे ऐसे जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश भर में अनामिका शुक्ला का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। हर कोई जानना यह चाहता है कि आखिर अनामिका शुक्ला है कौन, कैसे एक नाम पर एक साथ 25 जिलों में नौकरी पाली थी। इतना ही नहीं, 13 महीनों में लगभग 1 करोड़ रुपए मानदेय भी ले लिया। कासगंज में जिस युवती की गिरफ्तारी हुई है, वो अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर नौकरी कर रही थी। फर्जी दस्तावेजों से कस्तूरबा विद्यालय में नौकरी करने वाले शिक्षिका को कासगंज पुलिस ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। बीएसए ने शिक्षिका के अभिलेखों के जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। शिक्षिका अनामिका शुक्ला पुत्री सुभाष चंद शुक्ला निवासी लखनपुर जनपद फरुखाबाद कासगंज के फरीदपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षिका के रूप में अगस्त 2018 से तैनात है। कई जिलों में तैनाती का मामला सामने आने के बाद शुक्रवार को बीएसए अंजलि अग्रवाल ने शिक्षिका को व्हाट्सएप से नोटिस भेजकर प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। इस पर शिक्षिका शनिवार को त्याग पत्र लेकर बीएसए कार्यालय पहुंची। वहां वो गाड़ी में बैठी रही और एक साथी से त्याग पत्र भिजवा दिया। इस पर बीएसए ने त्याग पत्र देने आए युवक से पूछताछ की तो उसने अनामिका के घर के बाहर गाड़ी में बैठे होने की जानकारी दी। बीएसए के निर्देश पर विभागीय कर्मचारियों ने उसकी घेराबंदी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया। सीओ कासगंज आर के तिवारी ने बताया कि बीएसए के तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करके युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पूछताछ की तो युवती ने अपना नाम प्रिया बताया। उसके पिता का नाम महिपाल है। वो फरुखाबाद के लखनपुर की रहने वाली है। उसने अनामिका शुक्ला के दस्तावेज पर नौकरी करना कबूल किया है। उससे आगे की पूछताछ जारी है। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम है क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।